लालू के बड़े बेटे को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी के खुलासे को लेकर पहले ही असमंजस की स्थिति थी कि तेज प्रताप ने राष्ट्रीय जनता दल छोड़ दिया है या पार्टी ने तेज प्रताप से किनारा कर लिया है। शिवानंद तिवारी ने दावा किया था कि तेज प्रताप पार्टी छोड़ चुकी हैं और अब तेज प्रताप ने ऐसा बयान दिया है जिससे आरजेडी की परेशानी बढ़ सकती है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पार्टी नेतृत्व से पहले ही नाराज चल रहे थे और आरजेडी प्रवक्ता शिवानंद तिवारी के बयान ने उनकी नाराजगी को और ज्यादा बढ़ा दिया है। शिवानंद तिवारी ने कहा था कि तेज प्रताप ने आरजेडी से अलग अपना संगठन बना लिया है, इसलिए अब वो आरजेडी में नहीं है। तेज प्रताप ने खुद ही पार्टी छोड़ दी है। तेज प्रताप के बयान का ना तो लालू यादव ने खंडन किया और ना ही तेजस्वी यादव ने। शिवानंद तिवारी इन दोनों के ही करीबी माने जाते हैं। दावा तो यहां तक किया गया कि शिवानंद तिवारी ने ये बयान तेजस्वी के इशारे पर दिया है, क्योंकि इससे पहले तेज प्रताप ने तेजस्वी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने लालू यादव को अपने घर में बंधक बना लिया है, जिससे तेजस्वी अपने बड़े भाई से बेहद नाराज चल रहे हैं और अब ये नाराजगी और बढ़ने वाली है। तेज प्रताप अब तेजस्वी की हार देखना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने मौका चुना है बिहार में होने वाले विधानसभा उपचुनावों का। बिहार में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रही हैं। 30 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, लेकिन इस चुनाव में महागठबंधन बिखर चुका है, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और जल्दी ही पार्टियां प्रचार अभियान तेज करने वाली हैं। लेकिन इस बीच तेज प्रताप यादव ने चुनावों में कांग्रेस का समर्थन करने का संकेत दे दिया है। तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक अशोक राम से मुलाकात की। अशोक राम के बेटे अतीर के कुमार कुशेश्वर अस्थाना विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार हैं। इस मुलाकात के दौरान तेज प्रताप ने उन्हें अपना समर्थन देने की बात कही है। इसके साथ ही तारापुर से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश कुमार मिश्रा को भी वो अपना समर्थन दे सकते हैं। ये पहली बार होगा जब लालू परिवार का कोई सदस्य उपचुनावों में अपनी ही पार्टी के खिलाफ प्रचार करता दिखेगा। आरजेडी में इसे लेकर अभी से ही बेचैनी दिखाई दे रही है, क्योंकि यदि कांग्रेस और आरजेडी के बीच वोटों का बंटवारा हुआ तो दोनों ही सीटों पर एनडीए आसानी से जीत जाएगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।